वेल गाइस, सीए इंटरमीडिएट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। आपको भी मेरे साथ साथ चलना है। सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउजर में जाना है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल इंटरमीडिएट कोर्स पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। आपको यहाँ से डाउनलोड करना है स्टडी मटेरियल और सेक्शन ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टडी मटेरियल आपको लेटेस्ट लेना है मई 2020 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स के लिए जो अप्लीकेबल है। सबसे पहले हमें डाउनलोड करना है चैप्टर नंबर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद हम इसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो दिस चैप्टर इज मोस्टली ऑल अबाउट द कैपिटल बजटिंग। थ्योरी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। माय पार्ट इज टू मेक यू गो थ्रू मोर एंड मोर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो ऑन पेज नंबर 7.8 देयर इज नो क्वेश्चन। कीप स्क्रोलिंग जब तक हम किसी क्वेश्चन पे नहीं आ जाते। सो वी हैव द इलस्ट्रेशन 1 ऑन पेज नंबर 7.16। Let's focus on the question. The question says, ABC Limited is evaluating the purchase of a new machinery with a depreciable base of rupees 1 lakh. Base 1 lakh है, इनका कहना है कि cost इसकी 1 लाख रुपया है. Expected economic life 4 years and change in the earning before taxes and depreciation of rupees 45,000 in year 1, 30,000 in year 2. 25,000 in year 3 and 35,000 in year 4. Assume straight line depreciation and 20% tax rate. You are required to compute the relevant cash flows. अब देखिए हमारा main purpose क्या है, cash flow निकालना। जो इन्होंने दिया है ये चीज which they have mentioned it is not a cash flow। इन्होंने जो दिया है वो है earning before taxes and depreciation। मतलब अगर हम 1 लाख रुपए की मशीनरी year 1 के शुरुआत में खरीदते हैं तो आने वाले पहले दूसरे और तीसरे और चौथे साल में हमें जो अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन होगा वो होगा 45,000, 30,000, 25,000 एंड 35,000। एक बात समझ लीजिए, अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन और कैश फ्लो ये दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। हमें अब अर्निंग से कैश फ्लो निकालना है। मेथड बिल्कुल साफ है, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमें जाना है पर्टिकुलर्स। बाजू में हम ले लेंगे ईयर्स 1, 2, 3, 4। ईयर में हम लिख लेंगे अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस या टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन। इट इज बेटर टू यूज द वर्ड अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस बिकॉज वी विल फर्स्ट चार्ज द डेप्रिसिएशन एंड देन वी विल चार्ज द टैक्स। वंस वी डिडक्ट द टैक्स वी विल गेट अ नेट प्रॉफिट और पैट, जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें हम वापिस डेप्रिसिएशन को एड कर देंगे। देखिए डेप्रिसिएशन जब लगता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो एक एक्सपेंस तो कैलकुलेट हो जाता है जिससे हमारा प्रॉफिट घटता है, बट एक्सपेंस आर ऑफ टू टाइप्स, कैश एक्सपेंडिचर एंड नॉन कैश एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो दिखने को तो लगता है कि खर्चा है पर इससे ना तो कैश आ रही है ना तो कैश जा रही है। आमतौर पर जब भी हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो कैश जाती है, और डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जिसमें एक्सपेंस होता है, आपका प्रॉफिट घटता है पर आपकी कैश जाती नहीं है। तो अगर आप वाकई में सच में ये जानना चाहते हो कि आपका कैश कितना जनरेट हुआ है फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी, डेप्रिसिएशन को माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा वो इनकम जिसमें आपने टैक्स लगाना है। आप टैक्स माइनस कीजिए, ऑफकोर्स टैक्स इज अ एक्सपेंस विच ऑल्सो इनकर्स द कैश आउटफ्लो।
उसके बाद जो डिप्रिसिएशन आपने माइनस किया था उसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों करना है और माइनस क्यों करना है, तो कोई सवाल पूछ सकता है कि सर जब वापस ऐड ही करना है डिप्रिसिएशन तो माइनस क्यों कर रहे हैं। अरे बाबा ये करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डिप्रिसिएशन नहीं माइनस करोगे आपको प्रॉपर टैक्सेबल इनकम मिलेगा नहीं। सो कम ऑन लेट स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। दिस इज अवर इलस्ट्रेशन नंबर वन फ्रॉम डिसीजन। इन सब चीजों की हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश फ्लो, वी हैव फोर इयर्स, यहां हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, वन ईयर टू ईयर फोर, इसको हम नाम देंगे अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये तो गिवन है हमें 45,000, 30,000, 25,000। और ईयर फोर का जो है वो है 35,000 अगेन। इसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि कॉस्ट दिया है हमें 1 lakh rupees, एक्सपेक्टेड लाइफ दिया है 4 years, स्क्रैप वैल्यू की कोई बात यहाँ पे नहीं हुई है, और स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बनता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ एंड विच कम्स टू 25,000। लगे इंटरेस्ट, इस केस में कुछ नहीं दिया है तो जो हमें मिला हुआ है अर्निंग बिफोर टैक्स विच विल बी द सेम 20,000, 5,000, 3,000। इसमें से हमें लेस करना है टैक्स एट कितना परसेंट से करना है, 20% से। तो 20,000 का 20% 4,000, 1,000, 0, 2,000। तो हमें मिलेगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या कुछ लोग इसको ईएटी भी बोलेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स, विच इज 16,000। 5 में से 1 गया 4,000, 0, 8,000 रुपया। इसमें हमें वापिस ऐड कर देना है डेप्रिसिएशन जो हमने ऊपर लेस किया था। डेप्रिसिएशन लेस करना इसलिए जरूरी, आपकी टैक्स की लायबिलिटी को पर फुल फ्लेज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वर्किंग नोट चाहो तो आप अलग से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल दिया है, हमें ये नहीं सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चंस पे ही जाना है सीधे सीधे। ए प्रोजेक्ट रिक्वायर इलस्ट्रेशन टू विच कम्स ऑन अ पेज नंबर 7.24। इलस्ट्रेशन नंबर ओके, अ प्रोजेक्ट रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 lakh rupees एंड इट यील्ड्स द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन विच इज एज फॉलोस। ध्यान से देखिए क्या दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस कर चुके हैं, टैक्स भी माइनस कर चुके हैं, उसके बाद का जो टैक्स है वो है 1, 2, 3, 4, 5 साल का 50, 75,000, 1,25,000, 1,30,000 और 80,000। सपोज फर्दर दैट
At the end of a fifth year, plant and machinery of a project can be sold for 80,000. Determine the average rate of return. हमें क्या कैलकुलेट करना है? Average rate of return कैलकुलेट करना है. अब देखिए, average rate of return is always the function of a profit and not the cash flow. तो इसके लिए हमें profit की जरूरत होती है. तो इन्होंने कहा है कि in this case the rate of return can be calculated as follows. Total profit divided by number of years, इसी को हम बोलेंगे average profit. और average investment या तो फिर initial investment. If the initial investment is taken as a base, या तो average investment को हम base लेके बना सकते हैं, जो कि exactly हमें दोनों ही चीजों को ध्यान में रख के करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और सालवेज वैल्यू को माइनस करके. तो चलो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. टोटल प्रॉफिट ये भी मेथड बहुत इजी है. अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको लर्न करनी है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट. इज इक्वल टू सेट. ये दोनों ही चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है.